हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको शो कराने लगा वाड़ी के न्यू फ्लावर का अंडर कंस्ट्रक्शन, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने लगा कि वो जो फ्लावर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ वाड़ी टी पॉइंट पर, और लेफ्ट हैंड साइड में जो रोड जा रहा है वो जाता है हिंगना की तरफ, और सीधा रोड जो जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं वो है वाड़ी रोड। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं वाड़ी फ्लावर का कंस्ट्रक्शन क्या कुछ प्रोसेस में है और क्या कुछ चल रहा है। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में नया रोड बनाया जा रहा है, मतलब कि इस रोड को काफ़ी अच्छा चौड़ा बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 लेन फ्लावर डेवलप होने जा रहा है, इसलिए इस रोड को चौड़ा किया जा रहा है। तो फ्रेंड, अभी मैं पहुंच चुका हूँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास, और यहीं से हमारा जो 4 लेन फ्लावर है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पर फ्लावर बनना स्टार्ट भी हो चुका है, और यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 लेन फ्लावर का काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, और काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम किया जा रहा है, और काफ़ी जल्दी यहाँ पर पिलर के लिए सलाखे भी खड़े कर दिए गए हैं। तो चलिए चलते हैं और थोड़ा आगे देखते हैं कहाँ तक ये प्रोसेस चालू है इस 4 लेन फ्लावर का। सो फ्रेंड, यहाँ तक ये काम हो चुका है और यहाँ से ये फ्लावर स्टार्ट होना रहा है। तो फ्रेंड, मैं आगे से यू टर्न ले लेता हूँ, फिर मैं आपको वहाँ से बताता चलता हूँ। सो फ्रेंड, थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ पे आपको वाड़ी पुलिस स्टेशन देखने को मिलने वाला है, उसके पहले ये फ्लावर स्टार्ट हो रहा है। सो फ्रेंड, यहाँ से ये फ्लावर स्टार्ट होगा और काटोल बाईपास जंक्शन पे एंड होगा। पुलिस स्टेशन के पास से यू टर्न लेने के बाद मैं आपको यहाँ का पूरे अच्छी तरीके से मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड, इस रोड पर 2 फ्लावर होने वाले हैं, पहला आरटीओ से लेकर तो कैंपस कॉलेज तक, और दूसरा ये वाला होने वाला है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लेकर तो काटोल बाईपास जंक्शन तक। काटोल बाईपास जंक्शन के पहले शुरू होकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के आगे उतरने वाले इस फ्लावर की लंबाई 1.9 किलोमीटर रहेगी। और इस 4 लेन फ्लावर की चौड़ाई 19.50 मीटर होने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर लंबा चौड़ा फ्लावर बनने जा रहा है, जिससे कि लोगों को काफ़ी अच्छी सुविधा मिलेगी, ट्रैफिक कम होगा, और लोग एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी जल्दी पहुँच पाएंगे, समय बचेगा, और एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे।
सो फ्रेंड ये फ्लावर और नागपुर के जितने भी फ्लावर है वो सब फ्लावर बनने के बाद अपना नागपुर अलग ही लेवल पर चले जाएगा, मतलब कि काफ़ी खूबसूरत अपना नागपुर दिखेगा। सो फ्रेंड यहाँ पर 4 लेन फ्लावर का काम काफ़ी तेज़ी से चालू हो चुका है और अगर आगे चल के यहाँ का कोई न्यू अपडेट्स आ जाता है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर से शेयर कर दूंगा। सो नागपुर के न्यू अपडेट्स के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।